नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटीवी निष्पक्ष बात। मैं हूं सुनील यादव। यदि आपने अभी तक एनबीटीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। इस खबर के प्रायोजक हैं सिटी मॉल, जिसका सोहागपुर में 9 नवंबर को होने जा रहा है भव्य शुभारंभ। यहां मिलेगा वो सब कुछ जो आप खरीदना चाहते हैं, वो भी उचित दामों में। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने भाजपा शिवसेना पर निशाना साधते हुए सर्जिकल स्ट्राइक पर फिर सवाल उठा दिया। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक से धारा 370 हटाने को भाजपा का नाटक बताया। गौरतलब है कि कांग्रेस के नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल उठाए थे। हालांकि कई बार कांग्रेस द्वारा इसे भारतीय सेना के पराक्रम से भी जोड़ा गया था, लेकिन पीसी शर्मा के बयान के बाद से एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा सकती है। इसके साथ ही जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक खींचतान पर भाजपा और शिवसेना पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना था कि भाजपा के लिए राजनीति सेवा नहीं बल्कि व्यवसाय है। भाजपा और शिवसेना में व्यवसाय पर कब्जे को लेकर विवाद है। पिछले 5 साल भाजपा ने व्यवसाय किया, अब शिवसेना व्यवसाय करना चाहती है। जैसे ही दोनों पार्टी में कोई डील हो जाएगी, महाराष्ट्र में सरकार बन जाएगी। इसके साथ ही मंत्री जी ने नोटबंदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पहले से ही देश में मंदी आने और व्यापार ठप होने की बात कही थी। नोटबंदी के बाद से रोजगार और व्यापार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। भाजपा का ग्राफ अब गिरना शुरू हो गया है। इस दौरान मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री और होशंगाबाद हरदा जिले के प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा ने सिवनी मालवा और डोलरिया के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। आज नोटबंदी की तीसरी वर्षी कांग्रेस मना रही है, किस तरीके से देखते हैं आप इन 3 सालों? नोटबंदी जब हुई थी तभी डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे यूपीए की सरकार के समय, कांग्रेस के नेता, तभी उन्होंने कहा था कि इससे जो ग्रोथ रेट है ये कम होगा, और हुआ लगा था। उन्होंने कहा था कि नौकरियां कम होंगी और व्यवसायों पर फर्क पड़ेगा। हुआ ये कि 90 लाख से ज़्यादा नौकरियां समाप्त हो गई, और इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे हर साल। वो 10 करोड़ तो मिले नहीं, 90 लाख के रोज़गार ख़त्म हो गए। जिस इंडस्ट्री को देखो वहाँ मंदी है। आप देखें रियल इस्टेट में मंदी है, कोई मकान न बन रहा है ना, जिसकी वजह से गरीब आदमी, जिसको लेबर का काम मिलता था, वो बंद हो गया। और आज इसलिए प्रियंका गांधी, जो हमारी महामंत्री कांग्रेस की, उन्होंने कहा है कि ये नोटबंदी थी आपदा, जो रातों रात 12 बजे जो नोट बंद हो गए थे, इससे पूरा हिंदुस्तान बहुत पीछे चला गया। और पहली बार केंद्र सरकार को रिज़र्व बैंक से 1,75,00,000 रुपए जो है वो ऋण लेना पड़ा, जो 70 साल में पहली बार हुआ है। तो कुल मिलाकर ये आपदा थी, और पूरा हिंदुस्तान अगर आज परेशान है, चाहे मध्य प्रदेश या दूसरे स्टेट या केंद्र, ये केवल नोटबंदी की वजह से। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना को में आपसी खींचतान चल रही है सत्ता को लेकर, इस पर क्या कहेंगे? ये बीजेपी के जो लोग हैं, ये सत्ता जन सेवा के लिए नहीं करते, ये व्यवसाय के लिए करते हैं। इनका ये व्यवसाय है। तो व्यवसाय में दोनों पार्टियों में झगड़ा इस बात का है कि ये व्यवसाय कौन करेगा इस बार। तुमने तो पिछले 5 साल में कर लिया बीजेपी ने, अब शिवसेना करेगी व्यवसाय। ये आपस में झगड़ा है, और जिस दिन कोई डील में कहीं आ जाएगा मामला तय कि नहीं इस तरह से ये डील बन जाएगी, तो वो हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि बहुत से नाटक किए मोदी सरकार ने, 370 का एक नाटक किया, एक नाटक सर्जिकल स्ट्राइक का किया, उसके बावजूद हरियाणा में 80 सीट लोकसभा के समय विधानसभा जीती थी, वो 40 रह गई। और यहाँ पे भी कह रहे थे कि कांग्रेस की 10-15 आएंगी, वहाँ 10-15 आएंगी, 100 से ऊपर चले गए एनसीपी। तो कुल मिला के इनका जो ग्राफ गिरना शुरू हो गया है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली का, क्योंकि बेवकूफ़ आखिर लोगों कब तक बनाओगे? हिंदुस्तान की जनता बहुत जागरूक है, और ये देख लेना 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, ये मोदी और इसकी पूरी टीम साफ हो जाएगी।